तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा जो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, बच्चे को ठोक दिया इस गाड़ी वाले ने। भाई बच्चे को लग गया, लड़की है शायद। कैसे हो आप सब लोग? तो भाई आज कल हम आए थे रायगंज में, तो अभी रायगंज में जो भाई का गाड़ी है भाई V3, तो ये लेके थोड़ा सा मैं सोचा कि भाई ये लेके थोड़ा सा आज राइड पे निकल जाते, क्योंकि भाई मैं सब सेटअप लेके ही आया था। तो रायगंज में थोड़ा सा जो एक ब्लॉग बना लेते हैं रायगंज का, तो आई थिंक नया गाड़ी है। तो भाई एंगल का भी V3 मेरा जो NS का एंगल है वो अलग है और इसका एंगल अलग है, तो कैसा होगा एंगल मिलाना पड़ेगा। तो अभी बज चुके हैं भाई 11, तो अभी हम है ये है भाई जो आपका क्या बोलते हैं इसको, शायद पूरी दिखी भाई, ये पूरी दिखी। तो हम मार चुके हैं पूरी दिखी, नहीं छोटा सा होगा, इधर ज़्यादा बड़ा जाप नहीं होगा, क्योंकि रोड तो भाई ठीक ठाक ही है। अगर रोड ठीक है तो भाई जाम किसका, जाम कैसे होगा भाई। तो इसका जो भाई एक रिव्यू आपको मैं बना, रिव्यू भी निकल देंगे थोड़ी देर में, जो आने के टाइम अगर पहले जो है भाई काम है थोड़ा सा, उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो इसका रिव्यू भी बना लेंगे। अच्छा तो अभी स्पीड भी एक बार चेक कर लेंगे कि कितना है, तो अभी स्पीड ये लोग भाई रोड में भाई ये लोग क्या करते हैं देखो। ये ट्रैफिक फाइनली भाई, ये ट्रैफिक क्रॉस कर लिया मैंने। कोई क्या बताए भाई, एक घंटा भाई हम स्लो चले उसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो भाई वाटर रिएक्शन भाई, एक घंटा भाई हम बैठे रहे उसका बड़ी बात नहीं, लेकिन जाम में भाई 10 मिनट ठहर रहे हो तो भाई हालत बैंड बज जाती है भाई। वाटर रिएक्शन भाई, गाड़ी में रिएक्शन अच्छा मिल रहा है आज। तो रायगंज हम जाएंगे, तो हम जिधर से जाएंगे उधर एक स्कूल भी पड़ेगा, तो थोड़ा सा जो एक रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो भाई रायगंज हम पहले दिन भी आए थे, उसका जो वीडियो है भाई उस दिन हम कैमरा ले नहीं लाए थे, तो उसका वीडियो उस दिन नहीं हुआ। तो आज जाने वाले आज एक प्रॉपर रायगंज का वीडियो बना लेंगे, टाइम भी कम है, अगर टाइम ज़्यादा होता तो भाई कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन आज टाइम बहुत कम है भाई, हम जिस दिन ही आते हैं भाई टाइम कम ही लेके आते हैं भाई। ऑल ओवर गाड़ी का जो भाई एकदम लुक है वो तो भाई एकदम आप लोग जानते भाई, ऑसम लुक है, लेकिन जो भाई ये सिटी राइड या लॉन्ग जो भाई ट्रैक राइडिंग के लिए भाई ये ठीक है, लेकिन जो भाई हिल पे या ऑफ रोडिंग पे भाई इस गाड़ी का कोई परफॉर्मेंस मुझे अच्छा नहीं, पर भाई गाड़ी में पावर है, लेकिन जो भाई इसका जो सीटिंग पोस्चर उस पर भाई आप ज़्यादा दूर तक या ऑफ रोडिंग आप नहीं कर सकते।
कुछ कुछ लोग भाई कर भी लेते हैं, लेकिन हमसे तो नहीं होगा भाई, हमसे चर्चा नहीं होगा। इधर से हम थोड़ा सा खींच लेते क्योंकि जो है हम ऐसे ही बहुत लेट हो चुके हैं, थोड़ा सा इधर खींच लेते हैं और आईवन जाके भाई थोड़ा सा जो है बात कर लेंगे, तब तक चलते हैं, चलते चलते बात हो जाएगी, स्पीड भी देख लेते हैं। थोड़ा सा जो है भाई इसका परफॉर्मेंस में थोड़ा सा मुझे डाउन अप दिखा दे रही है, क्योंकि जो भाई अगर थार सर्विसिंग हो जाए तो गाड़ी में परफॉर्मेंस और भी अच्छा होगा। जो नया भाई फास्टली सर्विसिंग हुआ है तो गाड़ी में उतना स्मूथ नहीं हुआ है अभी तक गाड़ी, तो अगर 2-3 सर्विसिंग हो जाए तो उसके बाद ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा गाड़ी। इसमें जो है भाई थोड़ा सा जो मुझे जो RPM जो ड्रॉप आउट दिखा दे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, जो अगर भाई दो सर्विसिंग हो जाए तो उसके बाद परफॉर्मेंस और भी अच्छा हो जाएगा गाड़ी का। तो भाई फास्ट सर्विस हुआ है तो अभी जो है भाई इसका 33 पे लिमिट ईयर दिखा दे रही है भाई, और आगे जाके थोड़ा सा और स्मूथ हो जाएगा, तो और एक टायर ले लेते हैं। भाई इस बार थोड़ा सा जो ऊपर जाता स्पीड, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक आ गई है, इसलिए जो है जो ड्रॉप करना पड़ा। रोड इधर बहुत है तो थोड़ा सा और एक बार टायर ले लेते हैं भाई इसका टॉप स्पीड का, तो वो हम इसको पहले तो थोड़ा सा इधर थोड़ा सा नीचे आप
इस रोड पे भाई नहीं होगा भाई, इस रोड पे नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। भाई इसका टॉप स्पीड चेक कर ले करने के लिए भाई हमारे उस साइड जाना पड़ता। इस साइड भाई इसका टॉप स्पीड चेक नहीं हो सकता भाई, इतना जा भाई बीच बीच में शॉर्ट शॉर्ट में भाई ट्रैफिक आ जा रही है, तो भाई कुछ नहीं कर सकते भाई। जो बहुत ही भाई हाई स्पीड में आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो मेरा ऑडियो, तो पता नहीं भाई ऑडियो कैसा आएगा, अगर ऑडियो अच्छा है तो ठीक है भाई। तो ये कार भाई एरोडायनामिक शेप गाड़ी है भाई, तो इसमें थोड़ा सा जो है भाई एयर जो कम आ रही है यार, तो ठीक ठाक ही है। यहाँ पे शायद हाँ यहाँ पे टोल नाका होगा भाई, इतना शॉर्ट शॉर्ट में भाई टोल नाका बिठा रहा है लोग भाई, लोग कैसे भाई, लोग कैसे भाई गाड़ी चलाएगा। तो भाई ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हो, तो ये फ्लाईओवर जाएगा डायरेक्ट जो है भाई जो रायगंज क्रॉस करके मालदा साइड जाएगा फ्लाईओवर। रायगंज में तो भाई जो यहाँ पे फोर लाइन नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो उतना जगह नहीं है, इस साइड जो है उतना रोड का शायद प्रॉब्लम होगी, इसलिए जो है इस साइड से बाईपास हो रही है। जैसा भाई हमारे उधर इस्लामपुर में हुआ है, तो उस इस साइड से भी वैसा ही हो रहा है। तो जो भाई ट्रांसपोर्ट का गाड़ी है उन लोगों का बहुत टाइम बच जाएगा भाई, बहुत टाइम बच जाएगा। तो ये लोग भाई राइट पे जा रहे हैं हमारे उस साइड, तो हम जा रहे हैं इस साइड भाई कसम से। तो भाई आने का टाइम फ्यूल अप कर लेंगे अभी जो है, तो फ्यूल तो ठीक ठाक ही है, एक गार्ड दिखा रही है, तो बज गई भाई 11:11 बज चुकी है, तो हमको भाई 12 बजे के आसपास निकलना ही है, नहीं तो उस साइड फिर बहुत लेट हो जाएगी। तो भाई मैं बेसिकली भाई मैं बंगाली कल्चर से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा जो हिंदी है थोड़ा सा बीच बीच में जो है गड़बड़ हो जाती है, तो उसके लिए भाई पहले से सॉरी, आई एम नॉट प्रोफेशनल भाई।